तो यहाँ माँ ने हार मान लिया है, घोड़े पे बैठ गई, बिठाई दिया आखिर आगे 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 ए गए। कितने किलोमीटर चढ़ी है अभी? तो हम 1 किलोमीटर ही आए होंगे। मैं 3 बता रही थी। 3 कहाँ चढ़ गए? तुम्हारी फिर वो देखो कहाँ है वो ऊपर दिख रही। हाँ मत आप मुझे चलाते रहो बस, थक गए भाई, अभी जूस पिया था हमने। देख सकते हो कितनी ठंड हो रही हूँ। और किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं तो बस अभी चाय पी रही है। लंच है जो हमने ऑर्डर दे दिया तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो मैं लोगों को दिखा दूँ। वो अभी उठाता बस फीड वगैरह करके सो चुका है। वो पैरों की बहुत बुरी हालत हो रही है, चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। फिर भी माता रानी ने चढ़ा ही दिया मेरे को इधर भी। हेलो, सब थके हुए हैं। मैं आप लोगों को देख के आ रही हूँ, सब थक रखे हैं वो बैठे हुए सब बाहर, नवो को घुमा रहे हैं इधर क्योंकि वो रो रहा है, दूध पी के बस अब सोएगा। यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है, गरम गरम राजमा चावल, मेरे कड़ी चावल आएंगे अभी। सिर तो रह गए। बैठे हुए हैं और यहाँ से जो भवन है ना वो 3-4 किलोमीटर और रह गया है आगे, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता यार, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। और मैं नीचे दिखाती हूँ आप सभी को, बर्फ़ गिर गई है। नवी अभी ट्रॉली में ही है, देख सकते हो कितनी ठंड हो गई है यार। ओहो बहुत ठंड हो गई है। ओह माय गॉड, तो मैं नीचे दिखाती हूँ आपको, जस्ट मेरे नीचे बर्फ़ गिर गई। वही देखो बिल्कुल 6 बजने वाले हैं, तो थोड़ी सी देर में हम पहुँच जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी भवन में मिलती हुई जाके, वहाँ पे हमने बुकिंग वगैरह करा रखी है तो उसके बाद मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। तो ठंड है, रुका नहीं जा रहा है और फिर चलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो गया है, बहुत ज़्यादा। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती वैष्णो देवी जी के चरण। सो गाइस, जय माता दी। तो आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। जो वॉइस ओवर मैं ये बाद में कर रही हूँ, तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे की है, मॉर्निंग टाइम की। इससे पहले वाली जो क्लिप्स थी वो चढ़ाई करने के पहले की थी सारी की सारी। भवन में पहुँचने के बाद है ना क्या हुआ कि हम वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए, बस माता रानी के दर्शन करे और सभी बहुत थके हुए थे, बस दर्शन करने के बाद हम सब सो गए। सो गाइस, हमारी टिकट हो गई है तो हम रोप वे में जाएंगे उधर भैरव बाबा पे, क्योंकि ना किसी में भी हिम्मत ही नहीं है आगे चलने की और सबके पैर वगैरह दुख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो इतना नहीं है ना तो कभी जाते हैं, तो बस अभी रोपवे में जा रहे हैं, टिकट्स वगैरह हो गई हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आप सभी को। ये आगे निखिल ले रखा है नवी को। सो गाइस, अभी हम खड़े हैं, बस फैमिली पीछे रह गई है, 2-3 मेंबर्स, तो अभी आएंगे और फिर चलते हैं। इन सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना मम्मा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी ऊपर जाके और भी अच्छा लगेगा जब ठंड लगेगी ना। देखी जाएगी। Okay, guys.
क्लिप है ये भैरव बाबा पे पहुंचने के बाद की है। तो हम मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड हैं और माँ जी वगैरह सभी हैं, मतलब हाफ हाफ फैमिली करके हम भैरव के दर्शन करने के लिए गए थे। तो कुछ इधर रुक गए थे तो कुछ चले गए थे, क्योंकि इकट्ठे जाते ना तो फिर बच्चे भी हैं तो उनको भी देखना होता है, मैं तो नवू को भी साथ में ले रखी थी इसलिए। तो कुछ लोग हमारी फैमिली में से पहले जा चुके थे दर्शन के लिए, उसके बाद हम गए थे। और यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था ना कि ऊपर बर्फ़ गिर रही है और हम बैठे हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हो सभी फ़ोटोज़ वगैरह में लगे हुए हैं, और मैं तो बस बैठ के ना मतलब अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कुछ तो एक मतलब माता के उधर जाने का चाह होता है ना, आप सभी को भी होगा कि वैष्णो देवी जाएंगे वैष्णो देवी जाएंगे, और यहाँ आने के बाद तो आप लोग कहोगे कि जन्नत में आ गए हैं। तो बहुत सुंदर था सब, और हमारी यात्रा भी बहुत अच्छे से मोमेंट बना रहे हो। टूट भी गया, टूट भी गया तुम्हारा, नीचे कोई होगा तो उस सर पे लगी जाके। नन्नू है जरा यहाँ, मम्मी ने भैरव बाबा बना दिया। मम्मी तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम सीधा आ गए थे अर्धकुंवारी पे, और यहाँ मैं अंदर नहीं जा पाई थी क्योंकि ना यहाँ पर रुकने के लिए 2 दिन चाहिए होते हैं, यहाँ पे कुछ टोकन वगैरह का सिस्टम है तो लाइन में काफ़ी दूर तक लगना पड़ता है, उसके बाद दर्शन होते हैं माता रानी के। तो बस मैं यहाँ आपको बाहर से ही दिखा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हम लेट हो गए थे क्योंकि फैमिली हमारी पहले पहुँच गई थी, और मैं और मेरी जिठानी वो भाई साहब और की वेट कर रहे थे क्योंकि वो उतर के आ रहे थे, और हम आए थे जिप्सी में क्योंकि किसी में भी उतरने की हिम्मत ही नहीं थी वापसी। तो बस यहाँ आप इंजॉय करिए, और जो वैष्णो देवी नहीं गए हैं कामना करूँगी मैं कि आप अगले साल ही जाएं या इसी साल ही जाएं, ठीक है। इतने आप हमारे व्लॉग्स देखकर ही माता रानी के दर्शन कर लीजिए, ठीक है। तो बस ये अर्धकुंवारी की गुफा थी, और ये वीडियो मैंने बना रही हूँ, मेरी जो ननद का लड़का है वो शूट कर रहा है, ठीक है, इसलिए वॉइस नहीं थी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में। और व्लॉग हमारे लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, और तो आप लोगों को पता भी है कि हम अभी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी जो भी हमारी क्वार्टर वगैरह का चल रहा है सिस्टम वो शिफ्ट हो रहा है अब, ठीक है। उसके बाद आप दर्शन कर लीजिए, ठीक है। और ये अर्धकुंवारी का व्यू था पूरा, यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी और कुछ टाइम बैठे भी थे आराम से माता रानी के दरबार में, तो बहुत अच्छा था। मेरा तो बस उधर ही बस जाने का मन कर रहा था, पर नहीं ऐसा हो सकता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और नवी भी बिल्कुल आराम से चढ़ गया, उसने भी परेशान नहीं करा, वरना बच्चे होते हैं ना कि बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं ट्रैवल करते टाइम, बट ना वो बिल्कुल अच्छे से गया, अच्छे से आया, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और यहाँ अब हमारी वापसी की तैयारी हो गई है, और वापसी किसी में भी आप देख सकते हो सब बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं, हिम्मत ही नहीं है मतलब किसी में कि वापसी उतर पाएँ। तो हम में से कुछ लोग घोड़े पर बैठ गए थे, आगे आप क्लिप्स देखोगे, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, हवा वगैरह चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो हमने सोचा कि नहीं अब उतरना तो घोड़े पे ही है, तो हम सब घोड़े पे ही उतरे थे वापसी। वरना होता है ना कि चढ़ तो जाते हैं, चढ़ तो हम गए थे बिल्कुल अच्छे से चढ़ गए थे, आराम से चढ़ाई करी थी हमने, रात को कुछ ठंडक भी हो गई थी ना तो इतना पता नहीं चला, और फैमिली के साथ तो सच बताऊँ पता नहीं चलता, खाते पीते रहो और फैमिली साथ में हो ना तो चढ़ाई का पता नहीं चलेगा। कौन है?
सो गाइज, आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे वैष्णो देवी के जो ब्लॉग्स हैं पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा नहीं तो कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।